हेलो फ्रेंड्स, मैं शंभू कुमार बी एस रडार में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, इसके पहले आप लोग जो है मैथ का सोल्यूशन देख रहे थे, अब आए शंभू सर के द्वारा आपने जीके और जीएस का सोल्यूशन देखे। अब चलिए ले चलता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 के पास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आज का मेरे सेशन का, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर ने इस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था इस वर्ष जो है इन्होंने ओलंपिक में भाग लिया था, याद रखेंगे। ये आपका जो है क्वेश्चंस भारतीय जिमनास्ट दीपा कर्माकर का, ये ओलंपिक से याद रखिएगा, है ना। ओलंपिक का क्वेश्चन जो है भाग कब लिया था, तो ये 2016 में इन्होंने भाग लिए थे। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे, भारत के किस केंद्रीय मंत्री 2022 में, ये भी करंट है, 2022 में कहता है कि ट्रांसपोर्ट 4 और चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया था। कहता है कि भारत किस केंद्रीय मंत्री, देखिएगा उस वक्त जो थे आवास और शहरी मंत्री, और शहरी मंत्री का बात है 2022 के हिसाब से अगर देखा जाए, ये थे हरदीप सिंह पुरी। क्यों थे? हरदीप सिंह पुरी ने को स्वारंभ किए थे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर ये करंट कर रहा 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखने का समझने का प्रयास करेंगे हम लोग दोस्तों, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कह रहा है कि कितना ईस्वी में शुरू किया गया था, लिखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चालू जो किया गया था, है ना, ये कब किया गया था मेरे दोस्त, तो ये जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, ये भी याद रखेंगे, नमो द्वारा किया गया था, समझे कि नहीं। भारतीय प्रशिक्षित नौकरियों के लिए कब शुरू किया गया था याद रखेंगे। पानी पी क्या हूं गया, तो फंस गया नखे में चलिए साथी कहाँ बता रहे थे, मैंने आपको स्किल इंडिया विभिन्न उद्योगों से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने का सरकार द्वारा शुरू की गई, तो मैंने बता रहा था इसको जो किया गया था ये नमो द्वारा किया गया था, याद रखेंगे, किसके द्वारा, नमो द्वारा, मैंने नरेंद्र मोदी के द्वारा। और अब इसमें से पूछ रहा है कि किस वर्ष किया गया था, तो ये आपका 2015 में किया गया था मेरे साथी। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हुआ। कंप्लीट। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है। देखिए यहाँ पे अधिकतम पूछ लिया है, याद रखेंगे, कभी कभी इसी क्वेश्चन का आंसर ऐसे रहेगा कि मानक, क्या रहेगा, मानक लंबाई, अगर मानक लंबाई पूछ देगा तो याद रखिएगा मेरे साथी ये रहेगा 27 इंच, आपका 27 इंच। लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर अधिकतम माना जाए, अधिकतम पूछ लिया जाए, तो अधिकतम लंबाई जो होती है आपका 29 होता है, याद रखिएगा, जा इंपॉर्टेंट है। पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई, अधिकतम अगर कह दिया तो आपका हो जाएगा
29 इंच, लेकिन अगर उसी को पूछ दिया जाए मानक, मानक लंबाई अगर पूछेगा तो मानना है 27 इंच। ये तो क्वेश्चन नंबर 24 आपका हुआ क्लियर। और चलते हैं हम लोग 25 के पास, देखेंगे सर 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय डाक पूरे विश्व में क्यों प्रचलित है? मैं आपको बता दूं कि अगर सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर पूछा जाए कि कौन से देश में डाक घरों की संख्या सबसे अधिक है, तो 1.5 लाख से अधिक, 1.5 लाख से भी अधिक डाकघरों की संख्या अभी भी भारत में है, जबकि बहुत सारे काम हमारे अब डिजिटल दुनिया में है ना बदल गया है, और हमारे पोस्ट ऑफिस वाले बहुत सारे काम डिजिटल के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैनुअली पूछा जाए तो भी आज के डेट में हमारे यहाँ 1.5 लाख से ऊपर हमारे यहाँ डाकघरों की संख्या है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किस आधार पे, यहाँ पे क्या कह रहा है, भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो पहला कह रहा है सबसे पुराना डाक नेटवर्क है इसके लिए नहीं प्रसिद्ध है, सबसे छोटा डाक नेटवर्क है इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है, कह रहा है कि सबसे बड़ा डाक नेटवर्क तो हाँ इसके लिए प्रसिद्ध है। क्या यह सबसे सस्ता है? नहीं, इसके लिए भी प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध किसके लिए है? पूरे विश्व में, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3, पूरे विश्व में डाक सेवा अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा डाक सेवा कहाँ है? तो भारत में है मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ हम अपना रुख करते हैं, और 26 क्या कहता है यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय आय को, याद रखिएगा राष्ट्रीय आय को यहाँ पे पूछ रहा है कि किसकी तरह परिभाषित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आय जो परिभाषित किया जाएगा मेरे साथी वो होगा, याद रखिएगा एन एन पी एन का मतलब नेट, नेट जो है गया नेट नेशनल प्रोडक्ट का मतलब हो गया, नेट का मतलब यहां पे बताएगा शुद्ध, क्या बताएगा शुद्ध, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय, याद रखेंगे राष्ट्रीय है ना, और प्रोडक्ट का मतलब हो गया उत्पाद, याद रखेंगे है ना शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, याद रखेंगे। लेकिन ये जो होता है आपके साधन लागत है ना, यानी लागत साधन पर जो आपका जो व्यय किया जाएगा, खर्च किया जाएगा है ना वो, और आपको कह रहा है कि एनएनपी का ये तात्पर्य आपको पहले भी हम बता चुके हैं, जब आपका सकल घरेलू उत्पाद जो होता है ना, उसमें से आपको जीडीपी की अगर बात करेंगे तो हम लोग एनएनपी से अगर समझने का प्रयास करेंगे तो उसमें आपका सकल घरेलू उत्पाद में जो है विदेशों से प्राप्त आय और माइनस उसमें हम ह्रास मूल्य को अगर करते हैं तो उससे हमको जो प्राप्त होगा वो होगा कारक लागत पर एनएनपी। तो कहता है कि राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय को हम कैसे मापेंगे है ना, तो देख लेंगे हम लोग। मान लिया किसी प्रकार के कारक लागत है पर लगाने वाला जो पूंजी लगा वो, और उसके द्वारा पूंजी पर जो हमारा आय अब होगा वो विदेशों में भी अगर खर्च किया गया है उससे जो प्राप्त आय होगा, ये दोनों आय को हम लोग जोड़ लेंगे, लेकिन दोनों में से जो हमारा मूल्य ह्रास में कमी आएगी उसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कारक लागत पर एनएनपी, यानी कि राष्ट्रीय आय को जो है इसके तरह तो हम लोग कारक लागत पर एनएनपी की तरह ही परिभाषित कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब, ये इकोनॉमिक्स टर्म का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा साथी, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा कह रहा है, यहां ध्यान रखिए दूसरा सबसे कम वाला कह रहा है, तो सबसे कम वाला अगर कहिएगा तो सिक्किम होगा, सबसे कम वाला अगर बात करेंगे तो क्या होगा सिक्किम होगा मेरे साथी, लेकिन कह रहा है दूसरा, तो दूसरा जो कह रहा है वो क्या होगा, वो मिजोरम होगा, यानी सबसे अधिक वाला बोल दिया जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या अगर पूछ ले तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर कह देगा तो उसका नाम होगा यूपी। सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन होगा भैया, यूपी, याद रखिएगा 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन होगा, तो दूसरा अगर पूछेगा तो क्या होगा, तो दूसरा अगर पूछ लेगा तो मिजोरम, मिजोरम, और पहला अगर पूछ लेता तो क्या हो जाता तब सिक्किम होता। चलिए तो आपका क्वेश्चन का आंसर एक बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया क्लियर। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं दोस्त 28 नंबर पे, दीजिएगा संतोष, हरित क्रांति के, याद रखिएगा हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्य फसलों का आयात है ना, खाद्य फसलों का आयात गरम उसमें रखा हुआ है ना, खाद्य फसलों का आयात क्या हो गया, देखिए कहता हरित क्रांति, आपको तो हरित क्रांति के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, हरित क्रांति जो होगा आपके यहाँ 1960 के दशक में हुआ है
और आपके यहाँ 1967 से 68 में किया गया था, 67 से 68 में किया गया है, है ना। आपका नाम भी पता होगा, है ना, एम एस स्वामी नाथन के द्वारा किया गया था। याद रखिए एम एस स्वामी नाथन हरित क्रांति का जो ये है, पूरे 20 में अगर बात करेंगे तो पूरे 20 में नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग के जनक कह जाते हैं। और सबसे पहले जो हुआ ये फसल पर हुआ, और सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ा तो वो गेहूं पर पड़ा, उसके बाद चावल पर तथा अन्य पर भी पड़ता गया। और हरित क्रांति का मतलब हुआ कि उन्नत किस्म के बीज, और उन्नत किस्म के बीज को जो है हम आगे करेंगे उर्वरा शक्ति उसको बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के उर्वरक देंगे। तो ऐसा अगर होगा तो हमारे यहाँ फसलों में उत्पादन की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। अगर उत्पादन की क्षमता हमारे यहाँ बढ़ेगी, यानी माल हमारे यहाँ ज्यादा हो गया, तो दूसरे जगह से हमको लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरे जगह से सामान लाने का मतलब हो गया आयात करना, तो हमारे यहाँ अब आयात नहीं होगा, तो किस में कमी आएगी, आयात में कमी होगी, है ना। तो देखिए क्या लिखा, वो आयात काम हो गया था, ये ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 28 का दो बिल्कुल सही जवाब। पूरी तबीयत सही नहीं चल रही है, खैर कोई बात नहीं है। साथी हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में, तो आपको बताया कि पूरे 20 में अगर इनका जनक की बात किया जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हुए, और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी भारत में प्राप्त करने वाला प्रथम जो है अदिति मुखर्जी हैं। याद रखिए जो बंगाल से बंगाल क्षेत्र में काम किया था, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार आपने देखिए फसल पर गेहूं और चावल पे, है ना। और इसका एम एस स्वामीनाथन भारत में जनक कहलाए, 1960 के दशक में हुआ, 1967 और 68 में इसका जो है शुरुआत हुई। और हरित क्रांति का मतलब हुआ उर्वरक शक्ति बढ़ा कर करके अपने खेतों में अनेक प्रकार के उर्वरक दे कर करके उनके उन्नत किस्म के बीजों को ये दे कर करके और फसलों का क्या करना, उत्पादन में वृद्धि करना, हमारे क्या इतना फसलों में वृद्धि हुई जिससे हम लोग आयात को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो ऑप्शन 28 नंबर का जो है ऑप्शन टू बिल्कुल सही जवाब। चलिए इस पर हम लोग बात कर लिया, क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं 29, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था, देख लेंगे, है ना। तो बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था, कह रहा है सत्या नडेला, सुधा केवी, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी। बेंगलुरु टेक समिट 2022 को जो है ये करने वाला व्यक्ति तो करंट है ना, चलिए कोई बात नहीं है, करंट जो है 29 का क्वेश्चन नरेंद्र मोदी ने किया था। चलिए याद रखेंगे किसने किए थे भाई, नरेंद्र मोदी ने किए थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट को है, अगला है कार्बन की परमाणु संख्या, चलो तो बहुत ईजी है, कार्बन की परमाणु संख्या कहने का तत्पर्य हुआ कोई भी अगर परमाणु की संख्या अगर पूछ रहा है तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, उसके प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या कह रहा है। याद रखिए प्रोटॉनों की संख्या इसमें अगर 6 है तो इसीलिए कहता है कार्बन की परमाणु संख्या क्या होगी, 6 होगी। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का एक आंसर बिल्कुल सही जवाब हुआ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपको 31, यानी केरल के सबसे बड़े जलप्रपात क्या नाम है, देख लेंगे केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम है, नाम होगा आपका अथीरा पिल्ली, क्या नाम उनका, अथीरा पिल्ली जलप्रपात, है ना। याद रखिएगा ये आपका जो है केरल में सबसे, केरल के ये पश्चिमी घाट से बहने वाली कुद्दू एक नदी है, उस पर से ये निकलती है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का हुआ क्लियर। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली, किस नृत्य शैली से संबंधित थे, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है, याद रखेंगे इनका संबंध है कथक नृत्य से, पंडित बिरजू महाराज इनका जो है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो ये लखनऊ घराने, याद रखेंगे लखनऊ, कभी कभी ये भी पूछा किस घराने से, तो लखनऊ घराने से याद रखिएगा। और ये इनका संबंध कथक से, और मैं अभी इसके पहले बताया कि कथक को देख करके आप लोग कर्नाटक नहीं मारना है, कर्नाटक नहीं मारना है, क्योंकि इसका जो पूछा कथक का संबंध पूछता है मेरे दोस्त
वो पूछता है उत्तर भारत, क्या पूछता है, ये पूछता है उत्तर भारत, याद रखेगा उत्तर भारत, पहले इसका आंसर दीजिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, उड़ीसा तो ओडिसी, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया 32। देखेंगे अगर आप क्वेश्चन है 33 या 33 क्वेश्चन है, ये देखिएगा आयरन की कमी से क्या होता है, तो आयरन ध्यान देंगे, आयरन की कमी से होगा, जैसे आपके शरीर में अगर आयरन की कमी होती है तो आपके ब्लड में क्या, आपके ब्लड में जो है हेमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो कम जाए, किसकी, हेमोग्लोबिन की मात्रा जो है कमी आ जाएगी, याद रखिएगा। और इस तरह के जो ये जो बीमारी है इसका नाम होगा एनीमिया, क्या होगा नाम, एनीमिया। और ये ज्यादातर अगर बात किया जाए तो ये महिलाएं में देखने को मिलेंगे, ज्यादा अगर बात किया जाए तो महिलाएं में देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे। इसलिए उनके गर्भावस्था के समय में है ना, अगर किसी कारण से उनके ब्लड की कमी हो जाती है, उनका हीमोग्लोबिन की अगर कमी दिखलता है, तो महिलाओं को है ना आयरन की गोली आप लाल लाल देखते होंगे पत्ते पे, है ना, वो जो खाने को उसको दिया जाता है, सरकार की तरफ से भी मुहैया कराई जाती है एनीमिया, याद रखेंगे। आयरन की कमी से क्या होता है मेरे को, तो 33 नंबर क्वेश्चन एनीमिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को, संवैधानिक उपचार अगर हम आपको बात किया जाए, ये परसों समझाए थे, संवैधानिक उपचार की अगर बात किया जाए, संवैधानिक उपचार की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद आपको बताया गया था 32 यानी 32, याद रखिएगा अनुच्छेद 32 में बताया गया था कि 32 जो कहता है ये संविधान में किए गए आपके जितने भी मौलिक अधिकार हैं, अगर उसके विरुद्ध में अगर कोई काम होता है तो आप उसके न्याय के लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक अपना दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये उपचार के अधिकार को जो है संविधान की क्या बताया गया, आत्मा कहा है, तो पूछ रहा है कि किसके द्वारा, कौन कहा है, तो B.R. अम्बेडकर, याद रखेंगे B.R. अम्बेडकर द्वारा इसको कहा गया था, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर 2 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 35। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में कोई वैसे महिला एवं पुरुष जिसके पास अपना कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, और किसी गैर आदमी या राजा किसी प्रशासक के या दूसरे किसी व्यक्ति की जमीन पर वो अपने कमाने खाने का जीविकोपार्जन करने का अपना काम करता है, तो ऐसे लोगों को स्त्री एवं पुरुष को क्या कहते थे, और उत्तर काल में कहता है कि ओबे पुरुष और महिलाएं थे जिनके पास जमीन नहीं थी, तो उसको कहते हैं हम लोग दास कर्मकार, क्या कहते हैं उसको, कहेंगे हम लोग दास कर्मकार। क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 35, 35 का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब, दास कर्मकार कहेंगे, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 36 नंबर क्वेश्चन ये रहा, देखेंगे विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाला बंगाली समाज सुधारक और लेखक कौन थे, बंगाल से कौन कौन थे, याद रखेंगे, तो बंगाल से थे जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, विपिन चंद्र पाल नहीं थे, बंगाल तिलक नहीं थे, यानी ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। और इन्होंने जो है याद रखेगा हमारे भारत की महिला शिक्षा, याद रखेंगे हमारे भारत की महिला एवं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिए हैं, और इन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह जो है इसका अधिनियम जो है 1856 पे भी इसका जो है बहुत अधिक जोर रहा है, और इनका सहयोग भी रहा है, इन्होंने उस पर काम भी किया है, तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन भी किया है। तो इस बंगाली समाज सुधारक लेखक कौन थे भैया, इनका नाम हो गया ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो बंगाल से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर 3 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आपको देखेंगे अटलांटा, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, क्या कह रहा है 37 कि अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु, देखिएगा किस नृत्य गुरु के सम्मान में, उनके इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य, जो कुचिपुड़ी आपको अभी बताए थे कहां से पढ़ता है मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश का है ना, इस नाट्य दिवस घोषित किया था, याद रखेंगे। कहता है कि अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु, मतलब कि कुचिपुड़ी के वो नृत्य गुरु थे जो आंध्र प्रदेश से संबंधित थे, और उनका नाम क्या था, वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम, यानी 37 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलेंगे तो आगे देखने का प्रयास करेंगे, चलिए आगे आगे आपका कुछ
इस तरह के चीजों को आप पहले समझ लें। देखिए जितने बच्चे अगर ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं या आप जिनको बताना चाहते हैं मेरे साथ ही, तो यहाँ पे एक ऑफर के साथ में आपसे मैं गुजारिश करूंगा। देखिए बीएसआर अड्डा की तरफ से आपको स्पेशल हिस्ट्री क्लासेस, हिस्ट्री क्लासेस जो है प्राचीन भारत से आजाद भारत तक यानी ईसा पूर्व से ईस्वी तक जो है आपको इसमें जो कोर्स डाला गया है ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं, है ना। और एवरी टॉपिक जो है जो आपका इसमें दो दो वीडियो आपको फ्री में समाहित किया गया है। और देखिएगा इसका जो 75% ये ऑफ चल रहा है अभी, और शुल्क तो कुछ है ही नहीं मेरे साथी। एक बार आप 49 रुपया का ये जो है ना एक तरह से महापैक हम इसको देने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग से, मात्र 49 रुपए का ये महापैक आप इसको लें। और इसको लेने के बाद आप देखेंगे कि आपकी क्या क्लास कैसी लगी, है ना। इसके बाद जो आप समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही कम मात्रा में आपको जो है इसको मात्र 49 रुपया में आपको दिया जा रहा है। और ये देखेंगे आप इस नंबर पे आप कंसल्ट भी कर सकते हैं मेरे साथी। और जो है इसका क्लास अभी ऑनलाइन पे हम लोग जो है मॉर्निंग में फ्री क्लासेस दे रहे हैं ऑनलाइन में, और साथ के साथ आप इसके बीएसआर अड्डा के एप्लीकेशन पर जब आप विजिट करेंगे तो बीएसआर अड्डा के एप्लीकेशन पे भी आपको इसका क्लास मिलेगा, याद रखेंगे दोस्तों। तो बीएसआर अड्डा में आपका जो है महापैक 49 रुपया का, है ना, जीएस क्लास मात्र हिस्ट्री आपको प्राचीन से लेकर करके आजादी तक की चीजें आपको बताई गई है, और इसमें सारे कुछ आपको दिया गया है। अगर आप एक बार विजिट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर करके, है ना, डिजिटल माध्यम से आप विजिटिंग भी कर सकते हैं, और आपको हिस्ट्री में जो है यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की क्लास की सुविधा भी मिल सकती है और मिल भी रही है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो देर किस बात की मेरे दोस्त, और आप आ जाइए अब बीएसआर अड्डा का हिस्ट्री कोर्स में, है ना, जेएस भाई शंभू सर के माध्यम से आपको पढ़ाया हुआ वीडियो का आपको जो है आनंद लें। और इसका ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे चलाई जा रही है, उसमें भी आप जो है अगर क्लास भी कर सकते हैं। और इसको अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑनलाइन में तो हम लोग फ्री भी कर ही रहे हैं मेरे साथ ही, तो जो है बीएसआर अड्डा के एप्लीकेशन पर भी आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, देर ना करते हुए उस नंबर आगे हम बढ़ाते हुए आपको जो है क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर आ गया साथी 38 नंबर क्वेश्चन को आप किस प्रकार से डील करें। देखिए कह रहा है चुनाव आयोग कह रहा है यहाँ पे कह रहा है किसको, और राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव का संचालन करता है। तो याद रखिएगा चुनाव आयोग जो हमारा है वो 324 अनुच्छेद 324 के हिसाब से चुनाव आयोग जो क्या करता है, यहाँ पे हो जाएगा आपका फिर नहीं चल रहा संसद, चलिए क्या बताया, चुनाव आयोग जो है यहाँ पे क्या करेगा, अरे याद रखिएगा संसद, राज विधान मंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये अगर संसद कहा जाए तो इसमें दो हो गया, एक होगा आपका लोकसभा का चुनाव और एक जो होगा वो होगा राज्य सभा का चुनाव। संसद में ये दोनों हो गए, और फिर राज्य विधानमंडल अगर बात किया जाए, राज्य विधान में किसी भी राज्य में आएंगे तो विधानमंडल आ गया, विधानमंडल में विधानसभा का चुनाव, यहाँ दो परिषद दो सदनीय होंगे, वहां विधानसभा भी होंगे मेरे साथी और विधान परिषद भी होगा। तो यहाँ राज्य विधानमंडल और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन सबों का जो है चुनाव का संचालन करता है कौन, तो चुनाव आयोग। अनुच्छेद कितना बताया मैंने 324 के अनुसार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आगे देखने का प्रयास करेंगे 39 क्या कर रहा है, इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योग, तो उद्योग को पकड़ लीजिए। हम तो बताए थे अभी आपको कि प्रथम की अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका कृषि, क्या आएगा कृषि प्लस हम ऊर्जा भी बताने का प्रयास किया था, कृषि और ऊर्जा। लेकिन इसी प्रथम की अगर बात करें छोड़ के आ जाइए द्वितीय वाला में आपको आ जाएगा उद्योग, द्वितीय में क्या जाएगा मेरे दोस्त उद्योग, याद रखिएगा। यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब, किस पंचवर्षीय द्वितीय पंचवर्षीय, पहला पंचवर्षीय आपको याद पता होगा
5551 से और 556, ये 56 से कितना चलेगा 1956 से 61 हो गया, यानी कि 39 के आंसर 3 बिल्कुल सही जवाब। चलिए मेरे दोस्त आज का जो है तुरंग, देखिए यहाँ लिखा हुआ तुरज्ञा, यहाँ लिखा हुआ तुरज्ञा या इसको तवांग भी कह सकते हैं, एक कह रहा है कि कितने दिवसीय मठ उत्सव है। तो याद रखेंगे ये 3 दिन चलने वाला, 3 दिन तक चलने वाला उत्सव है अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के क्या होता है भाई चलता क्यों नहीं, नहीं चलता है ना, तुरंग है। देखेंगे यहाँ पे तुरंग लिखा हुआ है, उसको तुरंग्या भी हम कहेंगे, तवांग भी कह सकते हैं। याद रखेंगे एक ऐसा नृत्य है जो कितने दिन तक ला मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मनाया जाता है। याद रखेंगे जो मठ उत्सव है 3 दिन तक मनाया जाने वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब है। और ये मनाया कहाँ जाता है ये तो याद रखिएगा, ये कहाँ मनाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कभी कभी ये पूछेगा कि ये जो है ये त्योहार जो है ये पर्व जो है उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है तो अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 40 हुआ इस प्रकार के, क्लियर मेरे दोस्त। अब मैं समय सीमा होता है मेरा समाप्त, और अब मैं मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जीके और जीएस के साथ में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। आप इसके बाद अब देखेंगे आप भाई सुनील सर के द्वारा यहां पे मिलेगा आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन। चलिए दोस्त धन्यवाद।